मनोज कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप बिहार में शराबबंदी पर? देखिए, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। ये कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। जी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितने लोगों की मौत हो गई। ये तो एक हाई प्रोफाइल केस है, ऐसे हाई प्रोफाइल केस और भी आए। उससे भी इम्पॉर्टेंट है जो मौतें हो रही है शराब से, और जिस तरह का एनार्की हुआ हुआ है, और जिस तरह का एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है अभी बिहार में। लोग बोल रहे हैं कि जैसे मुंबई वगैरह में अंडरवर्ल्ड का एक एरा होता है था पहले, वैसी स्थिति अभी बिहार में है। और एक पैरेलल फाइनेंशियल एक कैटेगरी उधर बनी हुई है, और बहुत बड़े लेवल पर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। इसमें कानून व्यवस्था का पूरा ही फेलियर है। कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। है क्या कि अब जब से शराबबंदी हुई, पहले एक साल में सब ठीक रहा, उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस में भी देखा था एज अ डॉक्टर कि जो अल्कोहल के केसेस थे, भले अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, पैंक्रेटाइटिस हो, ट्रॉमा के केसेस हो, सब कम हुए थे। लेकिन ग्रेजुअली फिर इमरजेंस हुआ, क्योंकि वो सब लोकल पे शिफ्ट कर गए। जो लोकल शराब बनते हैं, नकली शराब है, जो उसके बाद से तस्करी की घटनाएं शुरू हो गई। उस बैन के 3-4 साल बाद ही तस्करी का बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है बन गया। क्योंकि तो जब हम लोग पेशेंट से बात करते थे तो बड़ा बोले कि इजिली सर मिल जाता है, गाँव में भी मिल जाता है, शहर में भी मिल जाता है। अब वो जी मैं पेशेंट की प्राइवेसी में आपको नहीं बता सकता कहाँ से मिल जाता है जो बताते वो, लेकिन उनका कहना था कि ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है, अगर जो भी चाहेगा तो उसको मिल सकता है। उसमें जो एडिक्टेड बोलिए या हैबिचुअल बोलिए, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। दूसरा एक जी सेगमेंट हम लोग अपने प्रैक्टिस वाइज भी देखते हैं कि दूसरे मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रोजाना ही लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे पास में पटना में जो मैरिन ड्राइव का जो बेल्ट है, पूरा यहाँ से लेके आपका हमारे दीघा से लेके मनेर तक का बहुत बड़ा नेटवर्क सब चल रहा है। एकदम बच्चे आते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं, बहुत सा हम लोग भी नहीं जानते कौन सा नशा है, और वैसा ही वहां भी अंडरवर्ल्ड टाइप का चल रहा है। बच्चे बोलते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अब हम छोड़ना भी चाहते हैं तो वो मेरे घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका वो ऐसा धंधा उनका बंद होता हुआ नजर आता है। तो इसमें देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि टॉल नंबर है वगैरह, तो टॉल नंबर सरकारी कितना काम करता हो आप देखे ही है। इसके लिए काउंसलर्स वगैरह होने चाहिए, इस पर आप बात कीजिएगा तो मैं जी बताऊंगा और क्या कर सकते हैं। लेकिन शराबबंदी पूरी तरह से फेल हुई, और दूसरे बहुत ही बीभत्स स्थिति में चली गई है कि वो नकली शराब, लोकल शराब, जहरीली शराब, स्मैक, कोकीन वगैरह में रूप बदल के पहुंच चुकी है। और ये तब तक नहीं जी रोका जा सकता जबकि कानून व्यवस्था हमारी लचर रहेगी। सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फेल है। मुख्यमंत्री जी का ब्रांडिंग का भी वही है कि हमने शराबबंदी की। अब ऐसे एग्जाम्पल है कि पूरे देश में जैसे ये बोले कि बैन करने के बाद बोलेंगे तो क्या मॉडल लेके जाएंगे आप? क्या बोलेंगे, मेरे अफिंची बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ स्मैकियर बढ़ गए हैं, हम नकली शराब खूब हो रहा है, मेरे यहाँ तस्करी का अड्डा हो गया है, मेरे यहाँ पैरेलल 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी का चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल लेके आप पूरे देश में कैसे जा सकते हैं? जब तक कानून व्यवस्था आप ठीक नहीं करते और एक अच्छा एग्जाम्पल आप पेश नहीं करते, तब तक शराबबंदी के बारे में तो बात भी आपको नहीं करनी चाहिए, और खुद ही रिवीजन करना चाहिए कि आखिर इसके क्या कारण है। उसमें जिनकी जिनकी इनको जरूरत है उनको बुलाएं, बैठे और निष्कर्ष निकालें। जी मनोज कुमार जी।